Hello everyone, welcome to the channel of Political Science Tutorials. इस चैनल में हम टेस्ट योरसेल्फ सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, खास तौर से नीट पॉल साइंस कैंडिडेट्स के लिए. बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर द बेसिक इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. हियर आर 20 क्वेश्चंस. गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर and test your advancement. You may write down your scored marks in the comment box. Your feedback is important for us. Video ke last part mein aapko right answer mil jayega. So guys, start to test yourself. All the best. These questions are based on mainly political theory. Here is the first question on your screen. The Laws was authored by Aristotle, Saint Augustine, Plato, Rousseau. Book The Laws किसने लिखा था? Aristotle, Saint Augustine, Plato, Rousseau. Now the second question is, who among the following philosophers is famous for adopting the golden mean? Your options are Plato, Aristotle, Saint Thomas Aquinas, Locke. Golden mean ka concept kin philosopher se juda hua hai? Plato, Aristotle, Saint Thomas Aquinas, Locke. Third question is now on your screen. Who among the following called Machiavelli's Prince, the great and true conception of a real political genius with the highest and noblest purpose? Bentham, J.S. Mill, Hegel, Karl Marx. किन दार्शनिक ने Machiavelli's Prince को कहा था the great and true conception of a real political genius with the highest and noblest purpose? Bentham, J.S. Mill, Hegel, Karl Marx. Question number 4. Who among the following written the article The Zigzag of Politics? John Rawls, F.A. Hayek, Robert Nozick, J. Habermas. किन तात्विक ने द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा था? जॉन रॉल्स, एफ ए हायक, रॉबर्ट नॉजिक, जे हैबरमस. क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन. बुक द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर वॉज रिटन बाय सोक्रेटिस, प्लेटो, थुसिडाइड्स, एरिस्टोटल. The History of the Peloponnesian War किताब किसने लिखा था? Socrates, Plato, Thucydides, Aristotle. Question number 6. The concept of Bonapartist state is associated with Hegel, Marx, Rousseau, Green. बोनापार्टिस्ट स्टेट का कंसेप्ट किन से जुड़ा हुआ है? हेगल, मार्क्स, रूसो, ग्रीन. क्वेश्चन नंबर 7. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हेरोडोटस, एरिस्टोटल, मोंटेस्क्यू, लॉक. किन थिंकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? हेरोडोटस, एरिस्टोटल, मोंटेस्क्यू, लॉक. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन. अकॉर्डिंग टू हुम पॉलिटिकल पावर इज अ की कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स? डेविड स्टोन, एलन बॉल, लैसवेल, लैस्की. किन थिंकर के अनुसार पॉलिटिकल पावर राजनीति अध्ययन के एक की कंसेप्ट है?
डेविड ईस्टर्न, एलन बॉल, लैसविल लेस्की। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड बेंथम्स फिलॉसफी एज पिग फिलॉसफी। लेस्ली स्टीपन, कार्ल मार्क्स, कार्लाइल, जे एस मिल। किन थिंकर ने बेंथम्स के दर्शन को पिग फिलॉसफी कहा था? लेस्ली स्टीपन, कार्ल मार्क्स, कार्लाइल, जे एस मिल। क्वेश्चन नंबर 10, द एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, रूसो। एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के साथ किन थिंकर के नाम जुड़ा हुआ है? जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, रूसो। क्वेश्चन नंबर 11, सेंट ऑगस्टाइन्स द सिटी ऑफ गॉड वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजियन, कंपेरेटिव फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी। सेंट ऑगस्टाइन का किताब द सिटी ऑफ गॉड को क्या कहा जाता है? फिलॉसफी ऑफ रिलीजियन, कंपेरेटिव फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्वेश्चन नंबर 12, हु हेल्ड दैट द सॉवरेन इज द प्रोडक्ट ऑफ द विल ऑफ द पीपल? प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, हेनरी मेन। किसने कहा था सॉवरेन इज द प्रोडक्ट ऑफ द विल ऑफ द पीपल? प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, हेनरी मेन। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑब्जर्वेशन दैट द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉज मेड बाय प्लेटो, सेंट ऑगस्टाइन, मैकियावेली, हेगल। किन फिलॉसफर ने कहा था कि द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ? प्लेटो, सेंट ऑगस्टाइन, मैकियावेली, हेगल। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्स मार्क्सिज्म टू बी एन आइडियोलॉजी रैदर देन अ पॉलिटिकल थ्योरी? जर्मिनो, डेविड हिल्ड, रॉबर्ट डल, जी एच सेबाइन। किन थिंकर ने कहा था कि मार्क्सिज्म को एक आइडियोलॉजी बोलना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी नहीं? जर्मिनो, डेविड हिल्ड, रॉबर्ट डल, जी एच सेबाइन। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट पॉलिटिकल थ्योरी कंटेन्स फैक्टर ऑफ थ्री काइंड्स, द फैक्चुअल, कॉजल एंड द वैल्यूएशनल? लियो स्ट्रॉस, डनिंग, सेबाइन, इवेनस्टाइन। इनमें से किसने कहा था पॉलिटिकल थ्योरी कंटेन्स फैक्टर ऑफ थ्री काइंड्स, द फैक्चुअल, कॉजल एंड द वैल्यूएशनल? क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द पॉलिटिकल थ्योरी इज इन द डॉग हाउस इन द 1950s? डेविड ईस्टर्न, नील राइमर, पीटर लेसलेट, रॉबर्ट डल। किसने कहा था द पॉलिटिकल थ्योरी इज इन द डॉग हाउस इन द 1950s? डेविड ईस्टर्न, नील राइमर, पीटर लेसलेट, रॉबर्ट डल। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड सिविल पावर एज द राइट ऑफ मेकिंग लॉज विथ पेनल्टीज फॉर द रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑफ एम्प्लॉइंग द फोर्स ऑफ द कम्युनिटी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच लॉज, ऑल दिस ओनली फॉर द पब्लिक गुड? मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो। किनके अनुसार सिविल पावर का डेफिनेशन है द राइट ऑफ मेकिंग लॉज विथ पेनल्टीज
for the regulating and preserving of property and of employing the force of the community in the execution of such laws. All this only for the public good. Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau. Question number 18. Who among the following dismissed John Rawls' concept of social justice as a mirage? Macpherson, Frederick Hayek, Isaiah Berlin, Robert Nozick. किन थियोरिस्ट ने जॉन रॉल्स का कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस को खंडन किया है मिरेज बोल के? मैकफर्सन, फ्रेडरिक हायक, इसाया बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक. क्वेश्चन नंबर 19. हु अमंग द फॉलोइंग सेड इडियोलॉजी इज द मोस्ट एल्यूसिव कंसेप्ट इन द whole of social science? Martin Seliger, David McLellan, J.B. Thomson, John Plamenas. इनमें से किसने कहा ideology is the most elusive concept in the whole of social science? Martin Seliger, David McLellan, J.B. Thomson, John Plamenas. Now last question is on your screen. Who is the author of the book The Philosophy of J.S. Mill? M. Cowling, Richard Paul Anschutz, J. Gray, J.W. Müller. The Philosophy of J.S. Mill नाम का किताब किसने लिखा था? M. Cowling, Richard Paul Anschutz, J. Gray, J.W. Müller. This was the last question. Now it's the time to check your marks. Question number 1. The answer is Plato. The book Laws, The Laws was authored by Plato. Question number 2. Answer is B. Aristotle. He was famous for adopting the golden mean principle. Question number 3. The answer is Hegel. Hegel called Machiavelli's prince the great and true conception of a real political genius with the highest and noblest purpose. Question number 4. The answer is Robert Nozick. Robert Nozick written the article The Zigzag of Politics. Question number 5. The answer is Thucydides. The book The History of the Peloponnesian War was written by Thucydides. Question number 6. The answer is Marx. The concept of Bonapartist state is associated with Karl Marx. Question number 7. Answer is Montesquieu. Who is called the father of constitution? The answer is Montesquieu is called the father of constitution. Question number 8. The answer is Alan Ball. According to Alan Ball, political power is a key concept in the study of politics. Question number 9. The answer is C. Carlyle. Carlyle criticized Bentham's philosophy as pig philosophy. Question number 10. Answer is Robert Nozick. C. The entitlement theory of property has been propounded by Robert Nozick. Question number 11. Answer is philosophy of Christianity. D. Saint Augustine's The City of God was considered as the first book on the philosophy of Christianity. Question number 12. The answer is Hobbes. C. Hobbes held that the sovereign is the product of the will of the people. Question number 13. The answer is Hegel. D. Hegel observed that the state is the march of God on earth. Question number 14.
answer is Germino. A. Germino considered that Marxism to be an ideology rather than a political theory. Question number 15. The answer is Sabine. C. Sabine said that political theory contains factor of three kinds, the factual, causal and the valuational. Question number 16. The answer is Neil Reimer. B. Neil Reimer said that the political theory is in the doghouse in the 1950s. Question number 17. The answer is John Locke. C. Locke defined civil power as the right of making laws with penalties for the regulating and preserving of property and of employing the force of the community in the execution of such laws, all this only for the public good. Question number 18. The answer is Friedrich Hayek. B. Friedrich Hayek dismissed John Rawls' concept of social justice as a mirage. Question number 19. The answer is David McLellan. B. David McLellan said ideology is the most elusive concept in the whole of social science. Question number 20. The answer is Richard Paul Anschutz. B. The Philosophy of J.S. Mill. This book was written by Richard Paul Anschutz. Hope this video was helpful. Write down your views in the comment box. Thanks for watching.